थगेश भाई, टेम्पटेशन आइलैंड के बारे में बात करो। ओए होए होए, तो अब मैं जब से शो आया है तब से मैं शिद्दत से फॉलो कर रहा हूँ ये शो को। नहीं इसलिए नहीं क्योंकि अगले सीजन में मेरे को जाना है, खाओ माँ कसम। नहीं बट हालांकि जितने मजे अंदर लोग कर रहे देख के तो मन हो रहा है, बट मैंने एपिसोड देखे हैं भाई, क्या ही मजे आ रहे हैं, काफी कुछ सीखने भी मिल रहा है इससे, क्या वो आगे बताऊंगा। तो अब जिनको पता नहीं कि ये शो क्या है, बेसिकली ये शो में 8 मेल टेम्पटर्स हैं, 8 फीमेल टेम्पटर्स हैं और 4 कपल्स हैं, टोटल 25 लोग हुए। लेकिन अभी आप बोलोगे एक इनकी इनसिक्योरिटी भी है ना, बट बेसिकली शो का थीम ये है कि इसमें कपल जाएंगे जिनको 42 डेज तक एक दूसरों से दूर रहना है अलग अलग विलाज में, एंड उन विलाज में कुछ सिंगल लॉन्डे है, लॉन्डिया है, टेम्प्टर्स बोलते हैं जिनको, जो उनको टेम्प्ट करेंगे, एंड फिर कपल्स को डिसाइड करना है उनको पुराने रिलेशन में रहना है या नया में रहना है। सुनने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन मन में तो इनके लड्डू फूटते ही होंगे, इतना कपल कपल का वो लफड़ा हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं दीपिका रणवीर को भी लेके आओ। अरे और इस शो में मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट जट भाई शो में नहीं आया, ये शो जट भाई के पास आया है, शो जट भाई के लिए बना है। बट जट भाई एक लौता है, एक ऐसा बंदा है शो का जिसको बताना नहीं पड़ा कि भाई क्या करना है शो में, भाई नेचुरली तैयार होके आया था। Close the door. जैसे जेम्स बॉन्ड की मूवीज में उनके पास लाइसेंस टू किल होता है, इन लोग के पास लाइसेंस टू चीट है। करो चीटिंग भाई। ये शो का कंसर्न ये है कि 42 डेज तक परीक्षा लेंगे कपल्स की कि कौन चीट कर रहा है कौन नहीं। सिंगल लॉन्डो का ये कंसर्न है कि शो नवंबर में क्यों आया, हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हो। एक मेरे को फनी चीज लग रहा है, कंटेस्टेंट की दुविधा कितना है, कितने डिलेमा में वो लोग, कि अगर वो लोग ढंग से परफॉर्म नहीं करेंगे तो शो के बाहर हो जाएंगे, और कपल्स अगर ढंग से परफॉर्म करेंगे तो घर से बाहर हो जाएंगे। इसके आगे हमारे ध्रुव भाई बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, 10 नवंबर 2023 जज हरीद नामक व्यक्ति ने टेम्पटेशन आइलैंड करके एक शो है उसपे अपना असली रूप दिखाया। आपने इस व्यक्ति को बिग बॉस में तो देखा ही होगा, ये किस तरह से हरकतें कर रहा था आप सबने देखा होगा। जैसे देश और दुनिया में बहुत लोग कहते हैं कि मैं एक मर्द हूँ औरत की बॉडी में, या लोग कहते हैं कि मैं एक औरत हूँ मर्द की बॉडी में, वैसे ही जड हडीड एक टेम्पटेशन आइलैंड के कंटेस्टेंट थे बिग बॉस का कंटेस्टेंट की बॉडी में। क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से चीटिंग की जा रही है, ये जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है किस तरह से जड के लिए अपने बॉयफ्रेंड से लड़ रही है, हबीबी के लिए कभी भी रेडी बैठी है, एंड इस पर आपको एक ऑडियो बुक मिलता है। तो क्या है ना गाइस, भावनाओं में थोड़ा बह गया। तो जड हडीड ने बिग बॉस में अपना बम दिखाया था, मैं वो फोटो यहाँ पर दिखा देता लेकिन कुछ लोगों के लिए ये दृश्य थोड़ा ट्रिगरिंग हो सकता, लेकिन टेम्पटेशन आइलैंड में जड हडीड अपना बम नहीं अपना असली रंग दिखा। जाते जाते मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा थगेश भाई का, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस चैनल पर आकर अपनी टिप्पणी देने का। थैंक यू ध्रुव भाई। देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कभी भी अपने लव्ड वन को अगर अपना डीप सीक्रेट बता रहे हो ना तो देख लेना आजू बाजू में कोई नुकीली चीज या माचिस वगैरह नहीं है, वरना अंजाम दर्दनाक हो सकता है। हम सभी ने हमारी लाइफ में बॉनफायर कभी ना कभी तो किया ही है। बॉनफायर एक ऐसी जगह जहां हम एक दूसरे से मेमोरीज शेयर करते हैं, अपनी डीप सीक्रेट्स रिवील करते हैं, हाँ उनके पार्टनर्स के सीक्रेट्स उनके सामने रिवील होंगे। भाई इतनी टेंशन क्रिएट कर दी है लोग ने, इतना सस्पेंस बना के बात कर रहे हैं, मेरे को डर लग रहा है, और मेरी तो बंदी है शो में है भी नहीं, शो में क्या मेरी तो बंदी ही नहीं। बट अभी तक आई थिंक मुझे, मैं चेतना को नहीं भूल पा रहा हूँ, मैंने बहुत ट्राई किया कि करूँ, मैं कमिटेड रहूँ इस प्रोसेस से, बट भाई 7 साल पहले आरसीबी फाइनल में हारा था, मैं वो हार अभी तक नहीं भूल पाया, तू 7 दिनों में बंदी को भूलने की सोच रहे? नहीं जल्दी कर यार। ओके 1 2 3 भाई ये देख के तो भाई का रोना बनता ही है, ये मैं मेरी बंदी को देखते हुए तो छोड़ो, मेरी एक्स को देखते हुए भी देखो ना तो मेरे को भी रोना आ जाए। और कोई मेरे को बताएगा किसी ने ये लड़की को बताया नहीं था क्या कि ये रिकॉर्ड हो रहा है? अगर भाई के साथ ऑन कैमरा ये हो गया तो ऑफ कैमरा तो मेरे को भाई के लिए डर लग रहा है। और हमें नहीं पता आगे क्या हुआ है पीछे क्या हुआ है।
निशांक टूटना नहीं है, यू नो व्हाई? डोंट व्हाट डजंट ब्रेक यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, व्हाट डजंट ब्रेक यू मेक्स यू स्ट्रिंगर। करण भाई इधर उसकी बंदी किसी और को जाके किस कर रही है, एंड उनकी गलती मानने की जगह आप गूगल से उठा के कोट्स डाल रहे हो। इसके लिए अलग सजा है गरुड़ पुराण में। अर्जुन आपके लिए पहला क्लिप। बहुत बड़ी चीज है, फर्स्ट टाइम उसने 5 साल तक मुझे प्रपोज नहीं किया और ये बोलता था कि हमारी शादी नहीं हो सकती। अर्जुन भाई जब शादी ही नहीं करनी थी तो 5 साल डेट क्यों किया? ये तो यही बात हो गई 5 साल लॉ करके कोई बोले कि आप लॉयर नहीं बन सकते, हालांकि मैं नहीं बना करके भी। बट अर्जुन एक और क्लिप है, आप देखना चाहेंगे? Yeah, of course. He lied to me that he is going to meet his friend. और मुझे इंट्यूशन थी कि वो किससे मिलने जा रहा है, तो मैंने उसको फॉलो किया था। सो मैंने उसको वहीं पे रोड पे सिग्नल पे गाड़ी से निकाला, सुन रहे हो, गाड़ी से निकाला। बट एक बात तो है, थप्पड़ मारने के बाद दो लोगों में प्यार तो बहुत बढ़ जाता है, ये तो सही बात है। यकीन ना हो तो श्रीशांत और हरभजन से पूछ लो। I only talk high about her. मैं मतलब ये सब चीजें हुई हैं, बट मैंने कभी कभी नहीं बोली। तो आई गेस अर्जुन ये आपके रिलेशनशिप की चीज आपको समझ में आई होगी कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो पार्टनर्स के बीच में रहे तो बेटर है, जो पब्लिकली पब्लिक आई में ज्यादा नहीं आया या पब्लिकली डिस्कस ना हो। मोनी जी अगर इनको अपनी रिलेशनशिप प्राइवेट ही रखनी होती तो शो पे क्यों आते? इनको तो दिखाना था, जग जाहिर करना था कांड। आप कह रहे हैं कि जब निकी ने आपको बताया था कि उनसे कुछ हुआ है और उस गुस्से में आके आपके लिए आपके विला में सिचुएशन बहुत इंटेंस हो गई। प्यार में टिट फॉर टैट नहीं होता। आई गेट यू 100%, बट द थिंग इज बिफोर वी गॉट हियर शी टोल्ड मी ट्राई एनीथिंग टिट फॉर टैट और बेटर देन। ये सही बात है, अगर उसने मेरे पे चीट किया है इससे मुझे चीट करने का लाइसेंस मिल जाता है। अगर ऐसा होता ना देश के आधे कमिटेड लॉन्डे बैठे होते कि कब ये साली चीट करे मेरे पे। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा लग रहा है हम बहुत पीछे रह गए जमाने में, पता नहीं जमाना कहाँ निकलता जा रहा है। I honestly totally love, like I've loved getting to know you and same. You take a lot of my boxes and there are a lot of things that I want in a man that I can see in you. अरे ससुर जी अगर तुम मुझे बता देते ना कि तुम्हारी लड़की के ये हाल हैं तो तुम्हारी लड़की से मैं शादी नहीं करता और तुम्हारे पिछवाड़े पे 4 डंडे मैं अलग से मारता। और इसके बाद जो ये बंदी ने किया इसके साथ, बुरा हो गया भाई तेरे साथ, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। एक मैं कोट बोल दूं, बाबा थगेश का कोट सुन लो, बहुत डेंजर कोट है। इस जमाने में सबसे बड़ा रिस्क स्टॉक इन्वेस्टमेंट में नहीं है, इंसानों में इन्वेस्ट करने में। कौन साला धोखेबाज निकले, लिख के रखो आएगा एग्जाम में। I'm feeling okay actually. I do trust Nidhi. मोहक भाई आप कितना भी बोल लो कि आप कॉन्फिडेंट हो, लेकिन पिछले 3 बंदों के साथ जो हुआ है ना उसके बाद तो हर लड़का अपनी बंदी पे शक करेगा। हाँ चामर है वो बिल्कुल, तू जब बात कर रहा है हमने मेरी बटरफ्लाईज अंदर, I'm like shit क्या हो रहा है ये जो बटरफ्लाईज है। हाँ जब भी इस शो में कोई बोलेगी ना लड़की की आई फील बटरफ्लाईज इन माय स्टमक, समझ जाना उसका बंदा रोने वाला है। तो ये बंदी को कुत्ते पसंद नहीं थे, अब क्या हुआ इनके विला में भी कुछ डॉग्स हैं, काटते नहीं बट दे डू स्टील। I'm feeling okay actually. I do trust Nidhi. Nidhi, it was a pussycat. I do trust Nidhi. हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। लग रहा है ये लोग के लिए अंदर क्या कांड होने वाले हैं? नहीं मतलब आप लोग सोचो, बंदों को उनकी बंदियों के ऐसे क्लिप्स देखने मिल रहे और विला में इतने बड़े बड़े पूल भी है, कहीं ऐसा ना हो अगला एपिसोड के स्पेशल गेस्ट CID वालों को आना पड़े। फिर आया मेरा फेवरेट बॉनफायर एपिसोड, इसमें लड़कियों को क्लिप्स दिखाई गई कि उनके बॉयफ्रेंड दूसरे विला में क्या कर रहे हैं। इसी जगह कोई कहीं चीजें और ज्यादा खराब ना हो जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है इस बात के लिए। यहाँ पे सब लड़कियाँ डर के बैठी है, थोड़ी सहमी सी है कि पता नहीं क्या किया होगा बॉयफ्रेंड। ये लड़की को डर ही नहीं है, नीचे बैठी है। I formed a very strong connection with someone and I'm just really scared to hurt Tain. I found a strong connection with someone but scared to hurt Tain. Tain इसका जो बॉयफ्रेंड जिसके आता है, मतलब मैंने चीट तो कर दिया लेकिन थोड़ा क्या टेंशन है, उसको बुरा नहीं लगना मांगता है क्या? चीट वीट तो ठीक है पर थोड़ा टेंशन है क्या, बुरा नहीं लगना मांगता है? बिकॉज ऑफकोर्स अगर पार्टनर चीट करे तो बुरा थोड़ी लगना चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष।
देखो मैं रो नहीं रहा हूँ। ये ब्लैक टी शर्ट वाला ना मेरे को स्लीपर सेल लग रहा है शो वालों का। कैसे आग लगा रहे देख रहे हो? देखिए मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। ऑन पेपर फिजिकली फिजिकली आप फिजिकली अट्रैक्टेड हैं। चार दिन दूसरी लड़की को देख के औकात दिखा दी। तो भी अब पता चल गया इनको कि एटलीस्ट इनका पार्टनर कैसा है रियल में जब अकेले छोड़ा जाता है। एक ये बात मेरे को बढ़िया लगी शो की, एटलीस्ट जब बाहर जाएंगे इनको पता होगा किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना है। चिश्ता आप टेम्पटेशन आइलैंड आई हैं अर्जुन के साथ, मकसद क्या था? मकसद ये था जानने का कि 10 साल 11 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को, हम इतना मतलब इतने अप डाउन देखे हैं, इतना ऑन एंड ऑफ रहा है। अच्छा तो इनका बेसिकली मकसद ये था कि इनको देखना है कि ये दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं या ये कंपैटिबल है या नहीं, ये देखने के लिए शो पे आए। थैंक यू सो मच। आई लाइक द वे यू टॉक। मेरे लिए तो ये नॉर्मल है। अच्छा ये आपके लिए नॉर्मल रहता है? ओके ये तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट डेट हुई शो की। ये भी नॉर्मल ही होगा। मेरे लिए तो ये नॉर्मल है। वो पप्पी लेगा अगर आगे जाके तो वो भी नॉर्मल ही होगा आपके लिए। कुछ ये रिलेशनशिप ही अब नॉर्मल है आपके लिए। हग मांग के हग दिया साले ने पूरा। करण मोनी भी सोच रहे अब साला कुछ एक्सट्रीम दिखाना पड़ेगा, ये लोग को बहुत हो रहा है इनका, फिर दिखाया एक्सट्रीम। मुझे भी कुछ चाहिए। कंट्रोल भाई कंट्रोल। इसको देखो, ये बेचारी को लग रहा है कि मैं कहां कंप्लेंट कर रही थी, मेरा वाला इससे तो बेटर था, ये तो नहीं कर रहा था, तो साला कूद रहा है। अब दीदी बोलेगी मेरे लिए तो ये नॉर्मल है। थिंग दैट आई वांटेड लाइक आई एम फाइंडिंग दैट इन वन पर्सन इन द विला। अब ये लड़की का इंटरेस्टिंग हो क्या, इसको तो हक है ही नहीं रोने का, है ना? इसको तो रोने का हक है ही नहीं, वो लड़का कुछ भी करे इसको नहीं रोने का, हर्ट होने का ही नहीं। लेट्स सी टेन भाई ने क्या किया। With Rajvi and I think it's more of a physical thing. There's that a lot of what? Chemistry and a lot of intimacy, but it's not emotional. Not emotional. Pain bhai ne bola ki utna kuch emotional hai nahi hamare beech. रोने excuse me why you crying? ये लड़कियों का सही है, खुद का गलती हुआ तो भी रोने का, सामने वाले का गलती हुआ तो भी रोने का, और सॉरी किसको बोलने का, लड़के को। देख लो भाई हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। रो दिया ना, अभी रो दिया तो कुछ कर ही नहीं सकते, चेकमेट हो गए हम। बाउंड्रीज सेट की थी आपने, क्या थी वो बाउंड्रीज? बहुत सारी, लाइक जैसे कि नो गेटिंग फिजिकल विद एनीवन, नो लाइक ही कांट मेक एनीवन एल्स। अच्छा अच्छा आपने बाउंड्रीज सेट किया है, आपने तो बाउंड्री के बाहर सीधा सिक्स मारा है, वो भी फ्री हिट पे। और पहले फुकरा भाई आए थे टेम्पटेशन आइलैंड में, और इस हफ्ते एल्विश भाई आए टेम्पटेशन आइलैंड में। एल्विश ने सबको पूछा कि किसका किसके साथ कनेक्शन है, अलग से व्लॉग में बताओ। आपको कौन पसंद आया इधर? सामान हम डे वन से ही एक साथ है, बेसिकली लाइक कनेक्शन बहुत ही। सबने बताया टीम 07 के फेस बलोच के साथ तो कोई कनेक्ट ही नहीं कर रहा है, ना घर में कोई कर रहा है ना बाहर उनकी ऑडियंस कनेक्ट कर रही है। लेकिन जब फेस बलोच को पूछा कि उनको कौन सा कनेक्शन पसंद है, उनको कौन पसंद है, उनको सब पसंद है। तुम्हें भी निधि पसंद है? अच्छी है, पसंद है, मतलब क्योंकि मैं डांस करता हूँ। डांस के अलावा? मैं डांस वांस कर रहा हूँ, लेकिन मैं चेष्टा भी पसंद है भाई। मैंने चेष्टा भी पसंद है तुम्हें? सब पसंद है भाई को, बस इम्प्रेस नहीं कर पा रहे किसी को। ये तो मैं हूँ ब्रो इज लाइक, कोई भी चलेगी भाई, बस लड़की होनी चाहिए, हमको तो कोई भी चलेगी। और फीमेल टेम्प्टर्स को जब पूछा आपको कौन पसंद है, तो उनको सबको टेन भाई पसंद है। देखो और टेन भाई की बंदी देखो, माना टेन भाई का सरनेम डिविलियर्स है, डिविलियर्स तो क्या सबको पसंद होता ही है। पर एक बात सही है कि सबके कहीं ना कहीं कनेक्शन बन रहे हैं, एक ये बात बढ़िया लगी मेरे को शो की, कि कोई छुप नहीं रहा, कोई शाई नहीं हो रहा है, शो वाले भी ऑनेस्टली बता रहे, कुछ ऐसा कटवट नहीं कर रहे, एडिट नहीं कर रहे, एंड वही एंटरटेनिंग बनाता है शो को, वरना क्यों ही देखे लोग। इतना ही नहीं, एक सरप्राइज वाइल्ड कार्ड कपल भी आया, लो जी। And I'm here in Temptation Island with my childhood sweetheart, Ronak Gupta. Hi, मेरा नाम रौनक गुप्ता है। कर लो भाई लवी डवी, कर लो। दूसरे विला में जाने दो अभी, एक तब मालूम पड़ेगा तुम्हारा रिलेशन कितना। And I hope भाई ये कपल ही रह के जाए यहाँ से, and थोड़ा सबको गलत प्रूव करे। प्लीज भाई टेम्प्टर्स को लेके आओ, और टेम्प्टर्स को लेके आओ, क्योंकि जिस हिसाब से इनके जज्बात पल पल बदल रहे हैं ना, मेरे पे भी क्रश आ जाए। बट ओवरऑल मजा आ रहा है, कितना भी चीटिंग वगैरह हो एंड में तो आई थिंक मालूम पड़ रहा है असलियत लोगों का। मुझे पर्सनली लग रहा है आगे जाके चेतना जी जो बहुत एकदम क्यूटी क्यूटी कपल बन के आए हैं, वो भी हर्ट होने वाली है, या तो बॉयफ्रेंड हर्ट होने वाला है।
तो होने वाला है, मुझे नहीं लग रहा है कि जो यहाँ पे जिसके हाथ आया था उसके हाथ जाने वाला है ना। जो भी हो मजा आने वाला है आपको, अगर और वीडियो चाहिए इस पर तो मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ, जरूर बनाएंगे, बनाते रहेंगे। डेली 8 बजे एपिसोड आता है इनका जियो सिनेमा पे, वो भी फ्री है, तो मतलब कमी तो है नहीं। देखो मजे करो, अगले वीडियो में आपको और कॉन्टेक्स्ट मालूम पड़ेगा। एंड मेरे पास लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब एंड 30 मिनट गैंग। पहले 30 मिनट में जिसका भी कमेंट्स आएंगे हम सारे कमेंट रीड कर रहे हैं, प्रोबेबली लाइक भी देंगे, तो कमेंट कर देना। एंड बताना कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है इसमें से। एंड मोस्टली अगला एपिसोड द थगेश शो का सीजन फिनाले होगा। सो बी रेडी, बहुत बहुत धमाकेदार सीजन फिनाले होने वाला है। मैं इतना एक्साइटेड हूँ तो सोचो फिर मतलब समझ जाओ। अभी आप गेस्ट करके बताओ कमेंट्स में कौन होगा गेस्ट सीजन फिनाले का। मिलते हैं सीजन फिनाले में, बाय बाय।